हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं सीड डिस्पर्सल। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ ऑल द सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड नियर द पेरेंट एंड जर्मिनेट, देयर विल बी अ स्ट्रगल फॉर फूड, वाटर एंड सनलाइट। तो इफ़ एक जगह पर सीड ग्राउंड पर गिरे और वो पेरेंट और जर्मिनेट नहीं हो सकते, तो उन्हें स्ट्रगल हो सकता है फूड का, वाटर का और सनलाइट का। द सीड्स हैव टू बी स्प्रेड आउट इन अ लार्ज एरिया सो दैट get suitable conditions and grow up into healthy adult plants। तो ये जो seeds spread होते हैं वो बहुत large area पर spread होते हैं, उधर वो गिरते हैं और उधर suitable, उनकी suitable conditions होनी चाहिए, उस कंडीशन में वो रह सकते हैं, नहीं तो वो नहीं रह सकते। द कैरिंग अवे ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ डिसेंट प्लेसेस फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट इज अ सीड डिस्पर्सल। तो एक फ्रूट और एक सीड जब वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग होते हैं तो उसे सीड डिस्पर्सल कहते हैं। सीड्स आर एंड फ्रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स इन ऑर्डर टू गेट डिस्पर्सल। तो सीड और फ्रूट में एक स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्पेशल थिंग होती है जो उन्हें डेवलप करने में बहुत, तो उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल। तो देखते हैं सीड डिस्पर्सल। देखो एक बर्ड आए हैं और वो बर्ड वो सीड खा के ग्राउंड में गिरा दिया है और ग्राउंड में उस जगह पानी होता है तो उससे न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।